हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आपकी पढ़ाई लिखाई गेट की ठीक ठाक चल रही है? क्योंकि अब गेट का एग्ज़ाम जो है पास आ रहा है धीरे धीरे, तो आपको अब सब्जेक्ट्स वन बाय वन कवर करते हुए चलना है और टेस्ट सीरीज देते रहना है। दैट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो जो सब्जेक्ट आपका कवर होता चले उसका आप टेस्ट सीरीज देते चलो, क्योंकि टेस्ट ही इम्पॉर्टेंट है गेट के एग्ज़ाम के लिए। आपको ऐसे ही इन्वायरमेंट में टेस्ट देते रहना है जैसा कि गेट में इन्वायरमेंट होगा, ठीक है? ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन कर लेनी है और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको अभी से जो टॉपिक वाइज है, सब्जेक्ट वाइज है, वो देना स्टार्ट कर देना है। आज हम लोग बात करेंगे सरफेस टेंशन इन द लिक्विड जेट। तो हमने बात की थी सरफेस टेंशन इन द सोप बबल एंड सरफेस टेंशन इन द लिक्विड ड्रॉप। आज हम लोग लिक्विड जेट की बात करेंगे। तो जेट क्या होता है? आपने जो वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी देखी होगी, उसमें फायर ब्रिगेड में जो जो आग बुझाने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, पाइप से बड़ी फोर्स से वाटर निकलता है, उसे ही एक्चुअली जेट बोलते हैं। तो आप देखे होंगे कि उसका जो शेप होता है वो एग्जैक्टली उस पाइप के शेप का होता है कुछ एक डिस्टेंस तक, ठीक है? उसके बाद वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि उसका शेप वैसे ही रहता है कुछ एक डिस्टेंस तक, वो शेप क्यों मेंटेन रहता है, उसी की स्टडी करेंगे अपन। तो उसका जो मेन रीजन है वो है सरफेस टेंशन। एक्चुअली दो तरह के फोर्सेस लगेंगे इस लिक्विड जेट पे, दो तरह के फोर्सेस काम करते हैं इस लिक्विड जेट पर। पहला, एक प्रेशर फोर्स काम करेगा जो इस लिक्विड जेट को बर्स्ट करने का, इस लिक्विड जेट को डिस्ट्रॉय करने का या डिस्टॉर्ट करने का प्रयास करेगा, ठीक है? और दूसरा आपका लगेगा सरफेस टेंशन फोर्स जो इस लिक्विड जेट का शेप मेंटेन करने की कोशिश करेगा। तो दो तरह के फोर्सेस लगेंगे। अगर प्रेशर फोर्स की बात करें तो वॉल पे इस तरीके से लगेगा लिक्विड जेट के कि लिक्विड जेट बर्स्ट हो जाए। और सरफेस टेंशन इसको रजिस्ट करेगा। तो अगर आप लिक्विड जेट को काट के देखोगे इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, यहां से मैंने लिक्विड जो जेट है उसको काट दिया, तो हमें जो फोर्सेस दिख रहे हैं, एक फोर्स तो उसकी वॉल पे लगेगा जो कि प्रेशर फोर्स होगा, प्रेशर इनटू प्रोजेक्शन एरिया, और दूसरा जो उसकी लेंथ पर लगेगा, इस कंप्लीट लेंथ पे लगेगा, दैट इज अ सरफेस टेंशन फोर्स। इस कंप्लीट लेंथ पे लगेगा दैट इज अ सरफेस टेंशन फोर्स सिग्मा इनटू लेंथ। लेंथ क्या होगी? एल प्लस डी प्लस एल प्लस डी मीन्स 2L+2D। तो ये फोर्स जो सरफेस टेंशन फोर्स है, ये इस लिक्विड जेट के शेप को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, और जो प्रेशर फोर्स है वो इसको वर्स्ट करने की कोशिश करेगा। तो एट द इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम में होगा, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। ऑफ कोर्स जब प्रेशर फोर्स ज़्यादा हो जाएगा तो ये लिक्विड जेट क्या होगी? बर्स्ट हो जाएगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में, जब जेट का शेप मेंटेन है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? जो सरफेस टेंशन फोर्स होगी वो इक्वल हो जाएगी प्रेशर फोर्स के। तो सिग्मा 2L+2D दिस विल बी इक्वल टू प्रेशर इनटू प्रोजेक्शन एरिया। प्रोजेक्शन एरिया कर्व सरफेस की क्या होगी? L×D। सो दिस इज अ प्रोजेक्शन एरिया। ये प्रोजेक्शन एरिया होगी L×D। सो अगर अपन प्रेशर निकालने की कोशिश करें यहां से, तो प्रेशर विल बी 2 σL+D अपॉन LD। और अगर ये जेट काफी लंबा है, यानी कि इसकी लेंथ डायमीटर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, इफ एल इज ग्रेटर ग्रेटर देन डी, तो यहां से हम डी को नेगलेक्ट कर सकते हैं, देन 2 σL/LD, और यहां से आ जाएगा 2 σ/D। तो दिस विल बी द मैक्सिमम प्रेशर, सो दैट जेट शेप विल बी मेंटेन। अगर इससे ज्यादा प्रेशर हो जाएगा तो जेट जो होगी वो डिस्ट्रॉय होना या बर्स्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू।